मध्य प्रदेश के मौसम समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर रोजाना मौसम अपडेट देखने को मिलेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि आपके जिले का भी मौसम अपडेट हम देख सकें। वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल है तो अंत तक इसे जरूर देखें। चलिए जानते हैं आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में तापमान कैसा रहने वाला है, मध्य प्रदेश में मौसम के क्या हाल रहने वाले हैं और क्या कुछ अंतर तापमान में देखा जाएगा, क्या बारिश की संभावना है और कब से कड़ाके की ठंड जो है वो मध्य प्रदेश में अपना असर दिखाएगी, ये सब हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों का हाल, यानी कि मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में कहाँ पर कितनी जो तापमान है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, ये हम आपको बताते हैं। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अभी अधिकतर ज़िलों में काफ़ी ज़्यादा ठंडक देखी जा रही है, दिन के समय में भी ठंडक हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि बादल छट गए हैं, जिसके चलते यहाँ पर जो गर्मी का हल्का फुल्का एहसास हो रहा है। आपको बता दें कि बादल छाए रहने से दिन का तापमान हल्का बढ़ा है। तो वहीं आपको बता दें कि बादल छटने लगे हैं, जिसके कारण रात का तापमान कम होने वाला है। जी हाँ, दिन के समय हल्की यहाँ पर धूप खिलने से हल्की गर्मी हुई है, लेकिन रात के समय तापमान में गिरावट होगी। मौसम विभाग के मुताबिक वातावरण में नमी बढ़ने के कारण राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल बने हुए हैं, इसके कारण दिन के तापमान में गिरावट हो रही है। लेकिन कुछ जगह पर बादल छट गए हैं, जिसके चलते दिन के तापमान में बिल्कुल हल्की बढ़ोतरी हुई है, जबकि रात का तापमान जो है वो बादल छाए रहने से बड़ा है। लेकिन अब वेदर सिस्टम कमज़ोर पड़ने लगे हैं, जिसके चलते बादल छटने लगेंगे और रात के तापमान में गिरावट होगी। वहीं आपको बता दें कि अधिकतर जिलों में दिन का तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में रिकॉर्ड किया जा रहा है। भोपाल की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कुछ इसी तरह तापमान 27 से 28 डिग्री के बीच में इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, नरसिंहगढ़, नरसिंहपुर के साथ ही अन्य जिलों में बना हुआ है। रीवा, शहडोल, सतना में भी कुछ ऐसा ही हाल बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अब मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय था, जो वेदर सिस्टम सक्रिय थे, वो कमज़ोर हो गए हैं, जो कि अब अरब सागर में बने गहरे कम दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित होने की संभावना है, जिसके कारण ये सिस्टम गुजरात होते हुए दक्षिणी राजस्थान तक एक ट्रफ बना हुआ है और नमी के कारण बादल बने हुए हैं, जिसके चलते बौछारें पड़ रही हैं। आपको बता दें कि शनिवार को ग्वालियर में 1.5 मिलीमीटर बारिश हुई। भोपाल में भी अलग अलग स्थानों पर बूंदाबांदी हुई है और कुछ ज़िले ऐसे हैं जहां पर अभी हल्की बारिश की संभावना जो है वो बनी हुई है। तो आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बनवानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला और बालाघाट जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। और स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले कुछ घंटों में यहां पर हल्की बारिश हो सकती है। प्रदेश के अन्य ज़िलों में भी हल्की बारिश हुई है। 24 घंटे की अगर बात की जाए तो बैतूल में 14.8 मिलीमीटर बारिश हुई, पचमढ़ी में 5, ग्वालियर में 1.5, मलाजखंड में 0.7 और भोपाल, सागर, नागांव और सतमा में हल्की बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। होशंगाबाद में भी हल्की फुल्की बारिश हुई है। तो कुल मिलाकर बारिश के बाद जो है वो मौसम का मिजाज एकदम बदला हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलेगा और काफ़ी ज़्यादा ठंडक जो है मध्य प्रदेश में होने वाली है, जिसके चलते लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास होगा और आने वाले दिनों में मौसम पूरी तरह परिवर्तित होता हुआ नज़र आएगा। आपको बता दें कि लगातार मौसम का ट्रेंड बदल रहा है। इस बार दिसंबर में शीत लहर होगी और जनवरी फरवरी में ओले भी गिर सकते हैं, ऐसे भी आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। तो कुल मिलाकर काफ़ी ज़्यादा शीत लहर पड़ सकती है। आपको बता दें कि अभी ठंड और कोहरा छाने का अनुमान जताया जा रहा है। नवंबर के अंतिम सप्ताह में तापमान गिरने की भी संभावना ज़्यादा बनी हुई है। बाकी सभी जिलों में मौसम पहले की तरह सामान्य रहेगा। हर दिन मौसम से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक कर हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।